सर इसमें हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए, इनको चोरों को पकड़ा जाए, जो भी चोर है चाहे अपना है चाहे कोई गहरा है चाहे पराया है चाहे यहाँ का है चाहे बाहर का है कोई भी है सर, हमारे को ये नहीं बोलते कि मतलब हमारा कोई है अपना किस कोई भी है उसके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, हम लोगों के बारे में सोचे, नहीं तो हम फिर हड़ताल करेंगे, फिर हम गाड़ियाँ बंद रखेंगे। वैसे जो भी नई गाड़ी आती है स्टेपनी पहले उनको ले, समझो कि स्टेपनी उनके लिए बनी है, मालकों के लिए नहीं बनी, स्टेपनी चोरों के लिए बनी है, बस ये बड़ी खास। क्या कहना चाहोगे, ये चोरियाँ लगातार होती जा रही है या पहली बार ही हुई? ये लगातार होती है, आज का नहीं, ये रोज़ का काम है, ये रोज़ का काम है, ये पता नहीं चलता कौन है चोर कौन नहीं है यहाँ पे। तो हमारा भी बिजनेस खत्म हो रहा है, हमारे पास कौन आएगा, कोई नहीं आएगा, जब चोरी होगी माल का कहाँ गाड़ी लगाए मेरे पास, कमी लगाएगा, हम तो भूखे मार जाएंगे हिसाब से, बिल्कुल पता नहीं लगता जो आते कौन से टाइम है कौन से नहीं टाइम है, हमको पता नहीं रात को कहाँ आते हैं, ये बेचारा बोलता मान दो बजे सोए हैं, 7 बजे हम शाम को इसको बना के गया, हम भैया हम जा रहे हैं, मतलब जाओ, इसको पता नहीं चलता रात को चोरी कैसे करते हैं, किस टाइम आते हैं, वो भी टाइम का भी पता लगता है किन टाइम है, या 2 बजे जाते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग, अभी हम नरवाल ट्रांसपोर्ट नगर में हैं और यहाँ पे चोरियों का जो सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, नई नई गाड़ियाँ आती हैं, चेसिस गाड़ियाँ आती हैं, उनकी स्टेपनियाँ चोरी हो जाती हैं, बैटरियाँ चोरी हो जाती हैं, हालाँकि कुछ समय पहले जो है कुछ बैटरी चोरों को जो है पकड़ा गया था, लेकिन फिर भी चोरों पे लगाम लगाना पुलिस के लिए कहीं ना कहीं जो है मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि चोरियां लगातार हो रही है। आज रात को भी यहां पे आप पीछे 2 डंपर देखेंगे, बिल्कुल चेसिस डंपर हैं और यहां पे काम करवाने के लिए आए थे, इनकी स्टेपनियां चोरी हुई हैं। आपका है डंपर? मेरा डंपर है, मोहम्मद मुजफ्फर। हाँ जी, मुजफ्फर हुसैन। मुजफ्फर क्या हुआ है सर? रात को स्टेपनियां दोनों चोरी हो गई सर, यानी कि 2 बजे तक हम जाग गए थे, 2 बजे से हम सो गए, 4:30 बजे तक इतने टाइम में टायर चोरी हो गए, उसके बाद तो ऐसे तो इस हिसाब से अगर मर्डर भी कर दें तो हमें तो कोई पूछने वाला है नहीं। फिर मुजफ्फर की गाड़ियाँ कब लगाई थी आपने यहाँ पे? सर ये कल सुबह की लगाई है। अच्छा, रात को 2 बजे तक आप जागे रहे? जागे रहा सर। रात को गाड़ी में ही सोए थे आप? हाँ, गाड़ी में, एक तो गाड़ी बंद करके रखी थी, एक में सोया था, पहले तो बाहर ही था मैं, 2 बजे तक, 2 बजे गाड़ी में बैठा, तो उसके बाद ही हो गया ये 4 बजे तक, 2 घंटे में सर। आपको पता नहीं लगा मतलब गाड़ी स्टेपनी मतलब खुली होगी, नट खुले होंगे? कोई पता नहीं सर, कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं आई सर। फिर क्या किया आपने? फिर जब सर सुबह 4 बजे में जाकर नीचे उतरा तो देखा स्टेपनी नहीं थी। अच्छा, फिर मैंने सब में ढूंढा था इधर, मैं कहीं आसपास तो कोई लेके नहीं गया हो तो, मगर कहीं नहीं मिले। फिर अभी थाने में रिपोर्ट कराई है, वो भी आ गए, उन्होंने भी देखा, बोला फोटो चेक कराएंगे, वहाँ से बहुत पता चलेगा कुछ। यहाँ पे है आसपास में कैमरा कोई? हाँ, इस दुकान पे है कैमरा, क्या पता अब यहाँ तक है उसका रेंज नहीं, वहीं है तो है, कैमरा लगा है। आप गाड़ी कब से चला रहे हो? सर मैं 2014 से। इससे पहले भी कभी आपने सुना कि यहाँ पे चोरियाँ होती हैं अड्डे में? 14 तारीख को सर तेल की टंकी खाली करके होगी, बैटरियाँ 2 ले गए यहाँ पे, ट्रक की सर। अच्छा, किसी और का नहीं? मेरा था सर, अपना सर। अच्छा, आपका अपना ही? अच्छा, इसी महीने में सर। वो कंप्लेंट करवाई थी आपने? नहीं, वो नहीं कराई, तो इस पर तो करानी पड़ी सर, हमने सोचा चलो एक बार तो हो गया, चलो हम खुद अपनी लापरवाही से, मगर इस पर तो पूरी 80 तरह लापरवाही करा दी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। अशरफ क्या करते हो आप? मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। क्या कहना चाहोगे, ये चोरियाँ लगातार होती जा रही है या पहली बार ही हुई? ये लगातार होती है, आज का नहीं, ये रोज़ का काम है, ये पता नहीं चलता कौन है चोर कौन नहीं है यहाँ पे। कैसे लोग महफूज समझे अपने आप को, ड्राइवर, गाड़ी वाले, ट्रांसपोर्टर, वो यहाँ पे आके काम करवाएं? महफूज क्या समझना, ये बेचारे आते हैं वहाँ से काम करवाने के लिए, यहाँ पे रुकते हैं तो यहाँ पे वही हाल है, क्या करेंगे ये। आपका नाम? मोहम्मद सलीम सर। सलीम सर क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवरी कर रहा हूँ सर। कब से? कोई 25 साल हो गए सर। अड्डे में आ रहे हैं जी, बिल्कुल। क्या यहाँ पे इससे पहले भी चोरी होती रही है? इस जो भी नई गाड़ी आती है सर यहाँ पे, उसकी हमेशा स्टेपनियाँ, कोई भी नया टायर दिख जाएगा गाड़ी में तो उसको लेके जाते हैं चोर रात को, क्योंकि हम थक फूक के आते हैं उधर इधर से, बाहर से आते हैं, थक के आते हैं, हमारे को मतलब इतना वो अपने अंदर नहीं रहता है होशहाल, तो सो जाते हैं हम, तो यहाँ पे चोरियाँ हो जाती है रात को, तो इसका कोई मतलब कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए उन लोगों के अंदर जो चोरियाँ करते हैं, हम किसके सहारे रहेंगे फिर यहाँ पे, हमारे को तो बस ऊपर वाले का ही सहारा है फिर यहाँ पे, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, बेबस हो चुके हैं चोरों को कोई पकड़ नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है उनके लिए, तो जब भी कोई हमारे से कोई गलती होती तो हम लोगों को सबसे पहले पकड़ा जाता है, हमारे को बोलते हैं अगर इतनी सी भी गलती हो जाएगी तो हम लोगों को बोलते हैं वो करो ये करो, मगर औरों के लिए तो कोई कानून नहीं है, हमारे लिए सब कानून है यहाँ पे, क्या कर सकते हैं हम। तो पुलिस के बारे में क्या कहना चाहोगे, पुलिस में भी कहीं ना कहीं कुछ कमियाँ? बिल्कुल सर, ये कमियाँ हैं उन लोगों के अंदर भी, अगर वो हम उनके सहारे यहाँ पे रहते हैं, अगर हमारे को पता है यहाँ पे हमारे फोर्स के जवान रहते हैं तो हम भी उनके सहारे ही रहते हैं यहाँ पे,
मगर जब वो हमारे बारे में नहीं सोचेंगे तो क्या कर सकते सर, हमारे बारे में कौन सोचेगा फिर यहाँ पे? क्या मांग करते हैं सर? यही मांग करते हैं उनको पकड़ा जाए, यहाँ पे जो भी चोरियाँ होती हैं यहाँ पे उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ उनको ढूंढा जाए, कहाँ कहाँ के जाते हैं, कौन है, क्या है, यहाँ के लोकल है बाहर के कौन है उनके, हम क्या देंगे जवाब, मालकों को क्या जवाब दे सकते हैं? 40,000 रुपये की 45,000 रुपये की जोड़ी है टायर की, तो वो ड्राइवर के नाम पड़ेगा, तो ड्राइवर को तनख्वाह कितनी होती है? 10-11 हज़ार रुपये तनख्वाह होती है, तो कहाँ से वो पूरा करेंगे सर? आप क्या बता रहे थे, कितना दूर है यहाँ से पुलिस पोस्ट? सर 100 मीटर है सर, 100 मीटर में चोरी हो रही है, कहने कहीं अगर ये जो है कमी है तो तभी हो रही है सर, अगर पुलिस रात को इसमें 1-2 चक्कर लगाते हो नहीं हो सकता ऐसे, वो भी लापरवाही है। तो क्या नाम है आपका? कुलदीप राठौर। कुलदीप जी आप क्या करते हैं? सर मिस्त्री का काम करता हूँ यहाँ गाड़ी का। तो ये चोरियाँ पहले भी होती सर? मेरे अड्डे पर पहली बारी हुई है वैसे, तो ये तो हमारा भी बिजनेस खत्म हो रहा है, हमारे पास कौन आएगा? कोई नहीं आएगा, जब चोरी होगी माल का कहाँ गाड़ी लगाए मेरे पास, कभी नहीं लगाएगा, हम तो भूखे मार जाएंगे हिसाब से। बिल्कुल वो पता नहीं लगता, जो आते कौन से टाइम है कौन से नहीं टाइम है, हमको पता नहीं रात को कहाँ आते हैं। ये बेचारा बोलता मान 2 बजे सोए हैं, 7 बजे हम शाम को इसको बना के गया, भैया हम जा रहे हैं, मतलब जाओ, इसको पता नहीं चलता रात को चोरी कैसे करते हैं, किस टाइम आते, वो भी टाइम का भी नहीं पता लगता किन टाइम है, जब 2 बजे जाते हैं वो कहाँ चोरी कब कर गए पता नहीं चलता। ये भी नहीं है सर पता उनके पास कौन सी मशीन है क्या है, मतलब स्टेपनी को खोलते बार में मतलब आवाज़ आती है, कुछ आती है, गाड़ी हिल जाती है सर, नट खोलने पड़ते हैं उसके 4, उसका लॉक होता है वो खोलना पड़ता है, आवाज़ आती है गाड़ी में, हमारे को समझ में नहीं आता क्या कौन सी मशीन है उनके पास, कैसे खोल के ले जाते हैं। सर ये सर यहाँ पे देखो अभी हमने हाथ नहीं लगाया है, जैसे इन्होंने खोली है तो वैसे के उन्होंने खुद रखी है, नट भी उन्होंने ये खोल के आप देखेंगे, ये खोल के पूरा इसको रखा हुआ है यहाँ पे, ये खुद ही वहाँ पे हमने हाथ भी नहीं लगाया इसकी तरह सर कोई। इसको जब हम ये खोलेंगे तो आवाज तो करेगा करिए। सर ये नट होते हैं यहाँ पे, ये उठा, ये 2 नट होते हैं, ये इसके अंदर फंसा रहता है सर, ऐसे ये ऐसे फंसा रहता है सर इसके अंदर, अभी भी इसमें आवाज आ रही है, ऐसे आ रहा है, इसके अंदर 4 नट होते हैं सर, ये मालूम नहीं लग रहा है कि इसको खोला कैसे जाता है, आवाज तो आनी चाहिए इतनी, इतना बड़ा है कुछ सर, पाना लगाया जाता है हाथ से ऊपर करने पड़ता है, तो ये ऊपर करना पड़ता है सर, तब घुमाना पड़ता है इसको, तब ये उतर जाती है, तो इसकी आवाज आती है सर, अब इसको ये मालूम नहीं है कि ये खोलते कैसे है इसको, तो कोई आवाज नहीं, कोई कुछ नहीं आता है। ये और भी यहाँ पे कहीं अड्डे में और भी चोरी हुई सर? जो भी मैं कह रहा हूँ, जो भी नई गाड़ी आती है यहाँ पे, हमारी गाड़ी है JK 1949-60 गाड़ी का नंबर है, जब वो हमने सरन से लेके आई गाड़ी यहाँ पे, अभी पास भी नहीं हुई थी सर, तो यहाँ ऊपर दीपक वुड्स कैरियर कंपनी है, वहाँ पे उसको शाम को खड़ा किया, सुबह स्टेपनी थी सर, 2 टायर उसके मतलब उसी टाइम ले गए थे, उसके बाद भी जो भी कोई नई गाड़ी आती है उसका टायर चोरी हो जाता है यहाँ पे। कंप्लेंट तो क्या करवानी सर, जब हमारे को मतलब किसी का सहारा ही नहीं, फिर कंप्लेंट करके भी क्या फ़ायदा है फिर, जब बाद में कोई रिकवरी नहीं होती है तो क्या चीज़, उसको क्या फ़ायदा है कंप्लेंट करके, जब चोरी नहीं मिले तो रिकवरी का उसको क्या फ़ायदा है हमारे को रिपोर्ट करने का? अगर ये हमारे को पता होता कि हमारे को कोई सहारा मिल जाता है, रिपोर्ट करवाएंगे, हमारे भाई है यहाँ पे रहते हैं, पुलिस के भाई रहते हैं यहाँ पे, फ्रेश ये क्या बोलते जवान रहते हैं यहाँ पे, तो हम उनको इसके ऊपर सहारा करते हैं, भरोसा रखते हैं उनके ऊपर, हम भी उनके सहारे जीते हैं यहाँ पे, जब वो नहीं हमारे बारे में सोचेंगे तो क्या कर सकते हैं सर, हमारे बारे में कौन सोचेगा? क्या नाम है आपका? उबैद रफीक। रफीक आपकी भी चोरी हुई है? जी सर मेरी वहाँ ऊपर हुई थी, अड्डे में ऊपर। जी अड्डे में ऊपर नरवा। हाँ कौन सी गाड़ी है आपकी? ट्रक है LP। क्या चोरी हुआ आपका? स्टेपनी चोरी हो गया है। अच्छा आपकी भी नई स्टेपनी है? जी नहीं है। कल कितने बजे हुआ ये? बस आज रात को ही हुआ है। चार गाड़ियों को आज ही रात को हुई सर ये चोरी? चार गाड़ियों को सर, 5 टायर ले गए हुए। क्या क्या मांग करते हो आपने कंप्लेंट? चोरों को कंप्लेंट तो कर रहे भाई हमने, अभी पुलिस वाले भी आए थे तो वो जाँच करके गए हैं अभी। क्या नाम है आपका? मैं अमरीक सिंह ब्रह्मानंद। सारे ये चोर मैकेनिक चोर बस ये चोर ये जब जैसी गाड़ी नई आती है हम तो कस्टमर को बोलते हैं भाई अपनी स्टेपनी संभाल लो, चोरी बहुत होती है। बोलते कुछ नहीं, मतलब पता भी नहीं चलता ड्राइवर सोए तो स्टेपनी ले जाते हैं, सुबह बोलते स्टेपनी तो कितना संभाल के रखेंगे, हमेशा जो भी नई गाड़ी आती है स्टेपनी पहले उनको ले, समझो कि स्टेपनी उनके लिए बनी है, मालकों के लिए नहीं बनी, स्टेपनी चोरों के लिए बनी है। बस ये बड़ी खास बात है सर, दरअसल बड़ी चोरी के बड़ा मुश्किल है, कोई पूछता नहीं उनको चोरों को कि तो कैसे गरीब लोग ड्राइवर लोग बेचारे क्या करेंगे। ये आई को 6 महीने हो गए, साल हो गए चल, तो जैसे ही गाड़ी आई उन सालों को पता लगता है भाई स्टेपनी चोरी, गाड़ी आई स्टेपनी सुबह होती नहीं है, पता नहीं किस सिस्टम से। दिल्ली में इतना नहीं है सर जितना यहाँ पे है,
दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में तो इससे सेफ रह जाते हैं हम सर, बाहर कहीं भी जाए हम, मतलब कलकत्ता जाते हैं, गुवाहाटी जाते हैं, आसाम जाते हैं, किसी भी अगरतला जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, मगर उधर से मतलब यहाँ से सेफ वहाँ हमारे को लग रहा है। अपने घर में सेफ नहीं है तो यहाँ पे सेफ नहीं है, सेफ नहीं है। घर से बाहर सेफ है तो घर के अंदर सेफ नहीं है सर। अभी बेचारे क्या करेंगे बेचारे, ये भी परेशान है। 40-50 हज़ार की बात है सर, कम 4-5 महीने लग जाते हैं हमारे को 30-40 हज़ार रुपये कमाते कमाते, 8-9 हज़ार रुपये तनख्वाह होती है, तो क्या कैसे बराबर करेंगे, मालकों को क्या जवाब देंगे सर हम। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी चाहिए कि एक कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाए, और ये जो चोर लगातार जो सक्रिय हैं उनके खिलाफ जो है एक मुहिम छेड़ी जाए और इन चोरों का पता लगाया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आते समय में कोई दूसरा जो है इस तरह का काम करने से पहले उसको पता रहे कि कानून सख्त है, कार्रवाई भी होती है, चोर पकड़े भी जाते हैं और सज़ा भी मिलती है। इस तरह की एक एग्जांपल जो है पुलिस डिपार्टमेंट को सेट करनी चाहिए। और ये ट्रांसपोर्ट नगर नरवाल अड्डा है, यहाँ पे लगातार चोरियाँ जो है वो बढ़ती जा रही हैं, कभी दुकानों में चोरियाँ हो जाती हैं, कभी ड्राइवरों के बेचारे स्टेपनियाँ चोरी हो जाती हैं, मोबाइल चोरी हो जाते हैं, पैसे चोरी हो जाते हैं, लेकिन चोर नहीं पकड़े जाते हैं। इसके पीछे के कारण क्या है, उन कारणों का पता जो है वो पुलिस को लगाना चाहिए। फिलहाल देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया, मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।